Audio Jungle. Audio Jungle. क्या आप जानते कि रम, विस्की, वोडका, बियर, ब्रांडी, वाइन और शैंपेन इन सब में क्या अंतर होता है? आपने इन सभी के बारे में जरूर कभी न कभी तो सुना ही होगा। ये सभी शराब का ही एक रूप है, या यूं कह लीजिए कि सब शराब है। लेकिन इतने सारे नाम सुनकर लोगों के मन में यही सवाल आता है कि शराब तो इतने तरह की होती है, लेकिन इनमें अंतर क्या होता है और क्या इनमें सिर्फ नाम का अंतर होता है? तो चलिए जानते कि रम, विस्की, वोडका, बियर, ब्रांडी, वाइन और शैंपेन इन सब में क्या अंतर होता है। तो वैसे तो भारत में शराब कई नामों से जानी जाती है, जैसे कि मदिरा, शराब, दारू और सोमरस वगैरह। लेकिन इन सभी नामों का मतलब होता है कि एक ऐसा पेय पदार्थ जिसमें अल्कोहल मिला हो। दोस्तों, शराब को बनाने में कई चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि गेहूं, मक्का, जौ, गन्ना और कई फलों का इस्तेमाल भी होता है। और अलग अलग तरह की शराब बनाने में अलग अलग चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि बियर बनाने में गेहूं, जौ और मक्के का इस्तेमाल होता है। और इसी तरह दूसरी शराब को बनाने में अलग अलग चीजें इस्तेमाल में ली जाती हैं। अगर हम बात करें बियर की, तो इस तरह की मदिरा या शराब में अल्कोहल की मात्रा 3-30% तक होती है। लाइट बियर में 4%, स्ट्रॉन्ग बियर में 8% या उससे ज्यादा अल्कोहल की मात्रा हो सकती है। बता दूं कि जर्मन बियर पूरे संसार में सबसे बढ़िया बियर मानी जाती है। तो बियर बनाने में मक्का, गेहूं और जौ जैसे अनाजों का आंशिक रूप से किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन किया जाता है, और फिर इसके बाद इसे अच्छी तरह से बनने में करीब 1-2 सप्ताह का समय लग जाता है। अब ऐसे अगर हम बात करें वाइन की, तो वाइन भी एक प्रकार की शराब है और इस शराब को बनाने में फलों के रस का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें अंगूर प्रमुख फल है। इसमें अल्कोहल की मात्रा करीब 9-18% तक हो सकती है, और वाइन का उत्पादन फ्रांस में मुख्य रूप से किया जाता है। वाइन को बियर के जैसे ही फर्मेंटेशन करके तैयार किया जाता है, और सामान्यतः वाइन को रंगों के आधार पर रेड वाइन और व्हाइट वाइन में बांटा गया है। लेकिन वाइन का नामांकन अंगूर की क्वालिटी और उसके प्रकार के आधार पर किया जाता है। अब ऐसे अगर हम बात करें विस्की की, तो आमतौर पर ज्यादातर लोग विस्की का सेवन करना ही पसंद करते हैं। विस्की को बनाने में गेहूं और जौ जैसे अनाजों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसे बनाने का जो तरीका है वो बियर से थोड़ा अलग है, क्योंकि इसे बनाने के लिए अनाज का आंशिक किण्वन नहीं किया जाता है, बल्कि अनाज का पूरा किण्वन करते हैं और फिर बाद में इसका आश्वन यानी कि डिस्टिलेशन भी होता है। विस्की में अल्कोहल की मात्रा ज्यादा होती है, और इसमें करीब अल्कोहल की मात्रा 30% से लेकर 65% तक हो सकती है, और विस्की में एवरेज अल्कोहल की मात्रा 43% होती है। बता दूं कि विस्की सामान्यतः दो तरह की होती है, जिसमें पहली है माल्ट विस्की, जिसे अंकुरित अनाज से बनाया जाता है, जो अच्छी और महंगी भी होती है, और इसके बाद दूसरी है ग्रेन विस्की, और इस तरह की विस्की को बिना अंकुरित हुए अनाज से बनाया जाता है। और जानकारी के लिए बता दूं कि स्कॉटलैंड एक प्रमुख विस्की उत्पादक देश है, और यहाँ की विस्की को स्कॉच कहा जाता है। रम ये भी शराब का एक प्रकार है, और अधिकतर लोग सर्दियों में रम पीना पसंद करते हैं, और रम को बनाने के लिए गन्ने का रस या सीरे को किण्वित और आश्वित यानी कि फर्मेंटेड और डिस्टिल्ड करके तैयार किया जाता है, और रम में करीब 40-70% तक अल्कोहल हो सकता है। और रम का उत्पादन कैरिबियन और लैटिन अमेरिकन देश जैसे कि कोलंबिया, गुआना, वेनेजुएला, ब्राजील इनमें किया जाता है। और आपको बता दूं कि रम एक सस्ती शराब है। ब्रांडी, दोस्तों ब्रांडी नाम एक डच शब्द ब्रांडी विजन से आया है, और जिसका मतलब होता है जली हुई शराब। और ब्रांडी को विस्की को आश्वित करके यानी कि डिस्टिलेशन करके तैयार किया जाता है, और ब्रांडी में अल्कोहल की मात्रा 30-60% तक हो सकती है। और वैसे ब्रांडी का उत्पादन मुख्य रूप से यूरोपीय देश करते हैं। इसके बाद आती है वोडका। दोस्तों वोडका एक पारदर्शी और लगभग स्वादहीन शराब होती है। वोडका आलू से प्राप्त स्टार्च के फर्मेंटेशन एंड डिस्टिलेशन से बनती है, लेकिन इसके अलावा इसे अनाज और सीरे से बनाया जाता है। वोडका में अल्कोहल की मात्रा 40-60% तक हो सकती है, और वोडका का निर्माण मुख्य रूप से रूस और पूर्वी यूरोप के देशों में किया जाता है। इसके बाद आती है शैंपेन। दोस्तों शैंपेन का नाम अक्सर जीत के जश्न के साथ जोड़ता है, और लोगों को आपने शैंपेन को खोलने और उसे एक दूसरे पर छिड़कते हुए भी जरूर देखा होगा।
लेकिन आपको बता दूं कि शैंपेन एक तरह की वाइन है जिसे खास तौर पर फ्रांस के शैंपेन इलाके में ही तैयार किया जाता है। शैंपेन को बनाने में चार डोने पिनोट नायर और पिनोट म्यूनियर अंगूर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जिस शराब को हाथ से निकाला जाता है उसे हथकड़ी कहा जाता है। इसे अवैध रूप से बिना मशीनों के बनाया जाता है। इसके अलावा गांव में नारियल और महुआ से भी शराब बनाई जाती है। गोवा में फैनी नाम की शराब बनाई जाती है जिसे काजू से बनाया जाता है। और ऐसी साके नाम की शराब को जापान में चावल से तैयार किया जाता है। और इसी तरह मैक्सिको में अगेव नामक पौधे से टेकीला शराब बनती है। दोस्तों बियर विस्की ब्रांडी जिन महुआ हरिया चुलिया ये सभी शराब है क्योंकि इन सभी में अल्कोहल होता है और इन सभी से नशा होता है। हालांकि इन सभी में अल्कोहल की मात्रा में अंतर जरूर होता है। इसके अलावा कई लोगों को लगता है कि शराब और बियर अलग अलग होती है यानी कि बियर शराब नहीं होती। तो आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है और ऐसा इसलिए क्योंकि इन दोनों में ही अल्कोहल होता है। तो दोस्तों अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि वाइन विस्की रम ब्रांडी शैंपेन वोडका और बियर इन सब में क्या अंतर होता है। वैसे देखा जाए तो इन सब में मुख्य अंतर ये है कि इन्हें बनाने में अलग अलग अनाज और फलों का इस्तेमाल किया जाता है और इन्हें बनाने की विधि भी थोड़ी अलग है यानी कि इन्हें फर्मेंटेशन और डिस्टिलेशन करके बनाया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपके कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।